एक सलाम जी 200 रुपए ਦਾ ਨਾ ਯਾਰ 200 ਦਾ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਨਵਾਂ ਖੜਿਆ ਕਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਉਧਰੋਂ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਥੇ 200 ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਮੰਗਾਈ ਦੇ ਲਾਤ ਵੇਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ 200 ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਲਾਲਾ 40000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਹੀ ਇੱਥੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ 40000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫਲਾਰ ਖਾਂ ਪਲਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਈਏ ਓਏ ਹੋਏ ਲਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਓਏ ਹੋਏ शबाज शरीफ कमीज वेच के आटा सस्ता देन दिया वेख्या हो कौन मेरे उस रश में किन्ना लगा हुआ शुरुआत जो हुई सी ना सिलेंडर दे माल ते पुराने माल ते बाहरों फ्री आंदा की आंदा फ्री आंदा हर बंदे दे दिमाग च गल बैठी कि बाहरों फ्री आंदा वाकई फ्री आंदा मगर साढ़े पाकिस्तान के अंदर इन्ना महंगा विकता इन टैक्स बड़े लगे ने शुरू से सब तो पहले आटा लगता नहीं पिया यार सब तो पहले इन मुशरफ ने टैक्स लाया सी उससे पहले टैक्स नहीं सी हुण इन्ने टैक्स लग गए ने इनू कि वेखो की बनेगा आंदे साल पता लगेगा हले पुराने रेटा जी ये ते कोई गल नहीं याद कर लैने ते बलने पैसे तुहानू सही दस्से ने हाँ बेटा किधर आटा लैन गया से सुनिया ये देखो नाजरीन ये बच्चा आटा लैंदा खड़ा सी लैण च लग्या सी मैं तो दिल छड़ के आ गया वापस आटा किथे चाचा आटा लभ्या नहीं कहिंदा जे शनासी कार्ड इधर सामने होके सही होके बोल कहिंदे तेरा शनासी कार्ड कोनी का मैं कह यार बड़े भाई दे लेके आ दे दो नहीं दिता लैण के सुबह दा मैं खड़ा मैं कपड़े पड़वा के पिछे सट लवा के सट भी एह जी जगह लवा के किसी नु दस भी नहीं सकता जख्मी होया सी ते कल डॉक्टर को दवाई लेके आया आटा फिर नहीं लग्या दर्द का टीका लवा के आया नहीं तो तेरा बेली कित्थे तेनु तू अंकल ए अंकल कहंदा शबाज शरीफ नु और तेरा अंकल कित्थे जेड़ा कहंदा कमीज ला के मैं बेच के आटा देंगा ओ चोर दे पुत्र ने ओ कंजरा कल तू अगले दिन तू कहंदा है मेरा अंकल है यार हुण अंकल कहना हुण उनू की कहना दस यार नहीं अंकल हुण तेनु आटा नहीं लभ्या ते गाला कढ़न लग पे अंकल नु तेन तेरे भरा शनाटी कड़ तू भरा शनाट भरा नुला दिंदा भाई बस घरे नहीं है कम्बे क्यों जाना है ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਖੜੋਤਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸੇਕਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਖ ਨਾ ਪਾਣਾ ਸਵੇਰ ਦੇ ਰਸ ਖਾਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਯਾਰ ਆਟਾ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਰੋਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਵਾਇਆ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਗਾਮ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਭਾਈ ਦੱਸ ਚੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਟੇ ਉੱਟੇ ਦਾ ਕਹਿ ਜੀ ਕੀ ਅੱਗੇ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਆਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਵੇਚ ਕੇ ਆਟਾ ਖਵਾਣਾ ਸੀ ਬਾਹ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਕਮੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਮੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਜੀ हाँ भी स्टूडेंट बच्चे खड़े ने इन्हों नूं पुछने आ हाँ जी ए, बेटा तुहानूं पता है शबाश जी कहिंदा सी मैं कमीज वेच के आटा सस्ता देंगा आवाम नूं क्या सी ना उन्हें उहदे बारे की कहोगे तुसीं उन्हें जज्बाती होके कहता सी या की होया सी या कमीज नहीं विकदी पई की कहोगे उहदे बारे जी उन्हें कोई खाची मारी अपने लो
अपने वालों खच मारी है, घबरा आ गया, चवली मारी, चवल मारी। ए थोड़ी वीडियो बनती पी है, कोई मसला तो नहीं? इजाजत है चढ़ा दी है, थोड़ी इजाजत नाल। हाँ जी इजाजत। आटा थोड़े मेरे लगता तुसी चक्का जवाए हो, थोड़े चक्का च आटे का की माहौल है? थोड़े तो उत्थे कणक आम हुंदी है, रखी हुंदी है स्पेयर। हाँ जी मेरे बच्चा की तरह जे दे लो पढ़िया लिखिया का काम है। मैं अनपढ़ हैगा, मैं थोड़े ना कोई गिला या कोई थोड़े ना कोई ज्यादती या दुश्मनी नहीं हैगी, मगर देखो थोड़े रंगे पढ़े लिखे बच्चे उठ के पढ़ते ने, थोनू थोड़े से खर्चे होंगे ने, तुम्हें किताबा तुम्हें यूनिफॉर्म माँ प्यो पता नहीं किस हालात तुम्हें पढ़ाते हैं। जो तुम पढ़ लिख के व्डे होंगे हो, तुम अफसर लगने हो, तुम तो अल्लाह करे तो हदायत देवे तुम अच्छे काम करो, मगर आ जो अफसर पढ़े लिखे ने करप्शन करते ने सारा कुछ करते ने, तो उन्होंने इसलिए नहीं पढ़ा के इन्हों अफसर लाया जाता, सियासतदान बनाया जाता। इन्होंने शबाज शरीफ होना इसलिए नहीं सी बनाया असी कि ये वड्डे हो के सियासतदान बन के तो साढ़े मुल्क का बेड़ा धो देंगे, डिफाल्टर कर देंगे, उत्तों ये सारा मुल्क का पैसा लुट के तो बाहर लै जाएंगे। उस तो बाद नाजरी ने फोड़ाबाज तहसील जिला बहावल नगर साढ़े रोई के हालात जंगलात, मैं 8-10 दिन हो गए ने, मैं रोई च डेली जाना, डेली फिर के आईदा। साढ़े जंगलात का जो हालात है, सारा जंगलात पटिया पिया, साडा जंगलात है जिहड़ा रोई है, आबादी फोड़ाबाद शहर है जिहड़ा नुक्कड़ च पैंदा, सैड़ा दे चार चफेरे दे रोई है, बार्डर लगदा इंडिया दा, ते उत्थे रोई दे विच 8 दिन हो गए मैनूं फिरदे नूं, उत्थे दरख्त नहीं लभदा, बंदा छावें बह जावे। जिहड़े बकरियां वाले जानवरां वाले गाइयां वाले उत्थे एडे परेशान ने, एडे परेशान ने, मगर बेवस उन्हां ते साया इन्ना प्रैशर इन्ना पाया होया है कि उह बेचारे बोलण तों कासर ने। हालांकि उन्होंने दुख भी है, तकलीफ भी है, दर्द भी है, इन्हों करप्ट लोगों तो, इस चुदराड़ तो, इन अफसर तो, आ जोड़े गार्ड उत्थे बिठाए ने, इन्हों बिठाया से उत्थे भी किसी ने दरख्तों की रखवाली ली तो आप पटान लिया ने, पैसे 100-500 लिया रेहड़ी का, तो चल कढ़ा दी रेहड़ी। वो साडा नुकसान ना, साडा सरमाया सी, हुण उत्थे रुखां दे छावें बहन नूं जगह नहीं लभदी। मैं तो आबादी छड़ के शहर छड़ के तो झड़ सकून लैन जाना रोई च, उत्थे सुकून मैनू यह मिलता है, उत्थे जिहड़ा बंदा मिलता है वह कहिंदा आ वेखो साडे जानवरां नूं तकलीफ, इत्थे बहण लई सानूं छां नहीं लभदी, साडे जानवरां नूं उह दरख्तां दे पत्ते खाने हुंदे ने उह नहीं खाण नूं लभदे, ते असीं तंग आ, ते शिकायत क्यों नहीं करदे? उह कहिंदे ने साडा इत्थे जीणा मुहाल कर देणगे जे असीं उहनां दी शिकायत करिए। तां कईआं ने वीडियो बनाई है, मैं अपलोड भी की, इहदा भी करदा रहांगा। बेटा तुसी की कहोगे रोई दे बारे? रोई दा जे अफसर तैनू ला दिता जावे, वड्डा होके तू पढ़ लिख के अफसर लगे तैनू रोई च ला दिता जाए, ते क्या तू दरख्तां दी रखवाली करेगा? जी जी बिल्कुल अच्छे तरीके ना करेगा। हाँ जी हाँ जी। ते जे तेरे वाला उतला अफसर उन्हूं मैं हुण की कहां, जिहड़ा तेरे वाला उत्ते अफसर होएगा ओही तैनू मजबूर करेगा, तो फिर तू की करेगा? उहदे सामने खड़ा होएगा, जुरत करेगा खड़े होण दी? दफा करी, तैनू को पटवाण के हक च उन्होंने रखवाली करनी दरख्तों की, तू पटवाने नहीं बचाने ने दरख्त, दफा करी नौकरी छड़ के अपना कोई होर धंधा कर ली, लानत भेजे योजी रोजी तो जेडे च रिजक च बरकत ही ना होना, असी छां लैनी सी उन्होंने छावें बहना सी, साडा सरमाया सी, साडी पाक आर्मी उत्थे जाके आ मशकां करदी है, तो उन्होंने भी छावें बहन नूं उन्होंने भी जगह नहीं लभदी हुण। ठीक हो गया जी माशाल्लाह। हाँ जी ਲਾਟ ਬਣਾ ਛੱਡੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ।
ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇ 10 ਕੀ ਖਾਵਣ ਜਦੋਂ ਜਾਂਡੇ ਵੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੂੰ ਖਰਬੂਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਤਾ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮਿਸਾਲ ਸੁਣੀ ਦੀ ਸੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਹਕੀਕਤ ਵੇਖੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗਾੜਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਆਹ ਲਓ ਪਟਵਾਓ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।